ओके दोस्तों, आज हम कोशिश करेंगे पैनासोनिक RX M70 M2। आज मैं चाहता हूँ कि इसे मैं मोबाइल से भी बजा सकूँ, क्योंकि अभी फ़िलहाल इसमें जो है एक तो रेडियो चलता है, रेडियो FM रेडियो, और इसमें कैसेट चलती है, ऑडियो कैसेट। तो मैं आज सोच रहा हूँ कि इसे किसी तरह, क्योंकि इसमें जो है कंपनी ने ऐसा मोबाइल से बजाने का कोई ऑप्शन नहीं रखा है, क्योंकि हम जैसे अगर इसे ऑक्स वायर से बजाने की कोशिश करें, इसमें कान में लगाने का तो है, जैसे अगर हमने अगर इसमें रेडियो या फिर टेप रिकॉर्डर के गाने अगर हमने हेडफोन लगा के सुनना है तो सुनने के लिए तो ये पॉइंट दिया है, मगर अगर हम अगर चाहे इसे मोबाइल से बजाएं या बाहर से कोई और चीज़ के द्वारा इसमें आवाज़ दी जाए तो वो ऑप्शन इसमें नहीं है। तो आज मैं ये कोशिश करूँगा कि इसे मोबाइल से बजा सके, तो इसके लिए मैंने एक ऑक्स वायर लिया है, ऑक्स वायर ये लग जाएगा हमारे मोबाइल पर, और एक तरफ से मैंने इसे छील लिया है। तो मैं कोशिश करूँगा कि इन तारों को अंदर जोड़ दिया जाए, तो फिर हम मोबाइल से भी इसे बजा सकें। तो दोस्तों, मैंने इसे खोल लिया है और अब मैंने इसे भी खोल लिया है, फिर मैं खोलूँगा ये अंदर की सर्किट। तो दोस्तों, ये मैंने अंदर जोड़ दिया है इस ऑक्स वायर को, जो कि हमने मोबाइल पर देना है। तो ये मैंने जोड़ा है जैसे कि इस वॉल्यूम के साथ, ये जो इसका वॉल्यूम कंट्रोल था उसके साथ जोड़ा है। इसमें एक तार तो हमने दी अर्थ पे, और दूसरी तार जो बाकी की दो तारें थी वो मैंने वॉल्यूम के साथ जोड़ दी, वॉल्यूम के तीसरे पिन पर जोड़ी है। तो ये अब ये काम कर रहा है। तो अब जैसे कि अब मैं आपको दिखाता हूँ मोबाइल से गाना बजा के। ये चल पड़ा मोबाइल से, ये इसका वॉल्यूम, इसे हम साउंड को कम तेज भी कर सकते हैं। जब सीता को खोज रहे थे लंका में हनुमान, तो शनि की दशा देख कर मन में बहुत लगा अपमान। जो ये मैंने जो इस स्विच में से जो सर्किट बोर्ड ऑन होता था और इस स्विच यहाँ से जाती थी तारे, यहाँ से जैसे ये चार तारे हैं, यहाँ पर चार तारे हैं, तो मैंने दो तारों को आपस में शॉर्ट कर दिया जिससे कि सर्किट अब ऑन ही रहेगा, सर्किट ऑन रहेगा। और उसके बाद जो मोटर की दो तारें थी वो मैंने इस स्विच से जोड़ दिया, इस स्विच के साथ मोटर को जोड़ दिया, तो जिससे कि जो हम जैसे जब कैसेट चलानी होगी, जब हम ऑन ऑफ यहाँ से करेंगे तभी मोटर चलेगी, नहीं तो मोटर बंद ही रहेगी। अब पहले क्या होता था, जैसे कि जैसे हम स्विच ऑन करते थे तभी जो है सर्किट
सर्किट ऑन होता था, लेकिन अब हम सर्किट को डायरेक्ट कर दिया हमने, जो कि सर्किट हमेशा ऑन ही रहेगा, जिससे कि ये फ़ायदा हुआ कि इससे मोबाइल के गाने हम बिना इस बटन को दबाए या बिना मोटर चले हम आराम से सुन सकते हैं। तो अगर हम ऐसा नहीं करते तो क्या होता था, जब हम टेप को प्ले करते तभी मोबाइल की आवाज़ इसमें आनी थी। तो टेप को प्ले करने से क्या होता कि फिर मोटर चलती रहती, जैसे हम इसको ऑन कर ले तो मोटर चलेगी तो तभी सर्किट बोर्ड ऑन होगा। तो उसमें क्या था कि मोटर चलती रहेगी, मोटर गर्म होगी और इसके बेल्टे बुल्टे भी जा सकती हैं जल्दी। तो इसलिए हमने क्या किया कि हमने सर्किट बोर्ड को डायरेक्ट कर दिया और उसके बाद जो मोटर को हमने इस स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया, जो यहाँ पर स्विच लगा होता है, जिससे ये फ़ायदा हुआ कि जब हम प्ले करेंगे तभी मोटर चलेगी। जैसे कि ये देखो, ये जब मैंने प्ले दबाया तो तभी मोटर चली और ये हमने बंद किया और गाना हम मोबाइल से सुन सकते हैं आराम से। तो दोस्तों, पहले ये हमारा सेट 2-in-1 था, जिसका मतलब है कि टेप रिकॉर्डर और ट्रांजिस्टर रेडियो, दो चीज़ें चलती थी इसमें। तो अब हमने जो ये जो तार कनेक्ट किया है, इससे क्या हुआ, अब ये 3-in-1 हो गया, जिसको कि हम जिसका फ़ायदा ये कि हम मोबाइल से भी इस टेप रिकॉर्डर को बजा सकते हैं। मोबाइल से जो भी गाने आप यूट्यूब में सुनना चाहें या अपने म्यूजिक प्लेयर पर जो भी है इसमें। और मुझे लगता है कि अब ये जो हम मोबाइल से बजाते गाने, वो हम इसके अंदर जो कैसेट चलती है उस कैसेट में भी रिकॉर्ड कर पाएंगे। लेकिन अभी ये मैंने चेक नहीं किया, मैं इसको बंद करूँगा उसके बाद ही, ये जब मैं इसकी सेटिंग करूँगा उसके बाद ही पता चलेगा कि इसमें कैसेट में भी क्या मोबाइल की आवाज़ हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे हमें कोई गाना पसंद आ जाए तो हम उस कैसेट में रिकॉर्ड कर ले और उस कैसेट को हम सुन सकते हैं। तो ये हमें अभी पता चलेगा, मतलब इसको बंद करने के बाद जब मैं चेक करूँगा। तो दोस्तों, अब मैंने इसमें जो है ग्लू गन से ग्लू लगा दिया है, जिससे कि ये तार खींचेगी भी तो टूटेगी नहीं, पक्का करने के लिए। तो दोस्तों, ये तार यहाँ से निकाल दी मैंने बाहर, इस तरह से सेटिंग करके ये आ गई तार बाहर। और ये सर्किट और ये डेक मशीन, ये सब मैंने अब फिट कर दिया है। तो दोस्तों, ये तार मैंने यहाँ से बाहर निकाली है, जो कि जब ज़रूरत ना हो तो हम इस तार को इसके अंदर ही फोल्ड करके और बंद करके रख सकते हैं। जब ज़रूरत हो तो फिर हम इसे बाहर निकाल के मोबाइल से कनेक्ट करके गाने सुन सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो कंप्लीट हो गया हमारा प्रोजेक्ट, जो कि मोबाइल से गाने बजाने का। मगर सवाल रहा रिकॉर्डिंग का, तो रिकॉर्डिंग इसमें अभी हो नहीं रही है, तो इसका जो है हम कोशिश अगले वीडियो पे करते हैं।